डॉक्टर फजीला, सवाल आया था कुछ देर पहले कि वो नाक के जो पोर्स हैं वो काफी ज्यादा ओपन रहते हैं और ऑयल बहुत ज्यादा आता है। जी जी, ओपन पोर्स के बारे में अब हम उनका नाम भूल गए, लेकिन वो जो भी कोई थी, आप प्लीज अपने लिए टोनर्स का इस्तेमाल करें और सेरम्स मॉइस्चराइज अब हर हालत में करेंगे। कल मुझे एक कोई लड़की बता रही थी, शी सर कि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं बिल्कुल मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, अच्छा मैं एंटी एजिंग की रूटीन कैसे शुरू करूं। मैंने कहा अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है और आप एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं तो वो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब आप अपनी स्किन के अंदर नमी या मॉइस्चर नहीं देंगे तो आपके पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो एक्सफोलिएशन करो, कोई स्पंज या लूफा ले लो जाके किसी भी जगह से, जिससे कि आप अपनी डेड स्किन उतारेंगी, नंबर वन। और तुम्हारे फेस वॉश के अंदर या तो ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए या फिर लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी डेड स्किन को, खासतौर पे ऑयली स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है और आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। नंबर टू, टोनर्स इस्तेमाल करोगी या वाटर बेस्ड सेरम्स। जब भी तुम्हारे स्किन पानी के साथ कांटेक्ट में आएगी तो तुम मॉइस्चराइज करोगी। नंबर थ्री, ओपन पोर्स के लिए बहुत से फॉर्मुलेशंस मार्केट में, जिससे कि आप कहते हैं कि रेटिनॉइड्स, रेटिनॉइड्स कोई ब्रांड का नाम नहीं है मगर देज आर कॉल्ड रेटिनॉइड्स। वो वंस एट नाइट तुम जब लगाओगी तुम्हारी स्किन बहुत तेजी से रिसर्फेस करेगी, तुम्हारे पोर्स रिड्यूस होंगे, एक्नी मार्क्स कम होते हैं एंड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम होते हैं। ठीक है, जब आप रेटिनॉइड्स रात को लगाते हैं तो स्किन ड्राई आउट होना शुरू हो जाती है। सो डू मॉइस्चराइज विद अ क्रीमी थिंग ऑन अल्टरनेट नाइट्स। ठीक है।